Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily GN 10 minutes, your revision session 205. So इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then please do subscribe and don't forget to hit this bell icon. So the first question is, who has been recently elected as the president of UN General Assembly? ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में UNGAB बोलते हैं. ठीक है, UN General Assembly का पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. तो इनमें से कौन है जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं UN जनरल असेंबली के? तो वो है अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन ए, अब्दुल्ला शाहिद. So the foreign minister of the Maldives, Abdullah Shahid, was elected as the president of the 76th United Nations General Assembly. तो वो president बने हैं of the 76th UNGA, 76th United Nations General Assembly के. और याद रखना अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो foreign minister है मालदीव्स के. Very important आ सकता है. He is the foreign minister of Maldives. मालदीव्स की capital याद रखना, that is माले, MALE. This is the capital of Maldives और मालदीव्स की currency है रुफिया. ठीक है. Dr. Vinay K. Nandicoori has been appointed as the new director of what? Dr. Vinay K. Nandicoori जो है वो अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर, इनमें से किस चीज के? एम्स के, CSIR के, इसरो के, ICAR के या ICMR के? तो वो हुए हैं ऑप्शन बी, CSIR के. ठीक है, ऑप्शन बी, CSIR. So Dr. Vinay K. Nandicoori has been appointed as the new director of CSIR, Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad. तो वो नए डायरेक्टर बने हैं किसके? CSIR का जो CCMB सेंटर है, which is Center for Cellular and Molecular Biology. ठीक है, he is a well-known molecular biologist and has been a scientist at the DBT National Institute of Immunology. ठीक है, तो ये एक well-known molecular biologist है. ठीक है, और वो एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं. ही हैज बीन अ साइंटिस्ट कहाँ पे? डीबीटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में ये साइंटिस्ट भी रह चुके हैं. डॉक्टर नंदीकुरी रिसर्च इंटरेस्ट एक्सटेंसिवली स्पेंस मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग नेटवर्क्स इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस. तो डॉक्टर नंदीकुरी की जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो एक्सटेंसिवली जो है वो वहाँ पर है मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग नेटवर्क जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में होते हैं. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि टीबी कॉज करता है, विच कॉजेस टीबी दैट इज ट्यूबरकुलोसिस. अब गाइस यहाँ पे को क्वेश्चन ये आ सकता है कि CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है? सो याद रखना इट इज इन हैदराबाद. ये स्टैटिक में आ सकता है. साथ ही साथ ये भी आ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर है? तो याद रखना ये है न्यू दिल्ली में. ठीक है, सो यू विल गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन static portion. Next is, which nation will make a direct contribution of 1 million euros to the International Solar Alliance? इनमें से कौन सा नेशन है जो कि direct contribution करेगी 1 million euros का? याद रखना 1 million euros, not dollars. ठीक है, 1 million euros International Solar Alliance को. So that is France. Option D, France. Now what is the capital of France? Capital of France is Paris. Currency है उसकी यूरो. तो यहाँ से याद रखना कि कौन सी कंट्री है जो करेगी, वो है फ्रांस. तो इसीलिए जो अमाउंट है वो फ्रांस की करेंसी में होगा. तो फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो. तो इसीलिए जो अमाउंट है डेट इज 1 मिलियन यूरोस. ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन. ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. ठीक है, और मुझे आपको कॉमेंट्स में ये बताना है कि वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA. Now what is ISA? That is International Solar Alliance. तो आपको मुझे बताना है International Solar Alliance का headquarters कहाँ पर है. Which of the following social media giant has appointed Spurthi Priya as its grievance officer for India? इनमें से कौन सा social media giant है जिसने स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट करा है अपना ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के लिए, फॉर इंडिया मतलब इंडिया ऑफिस के लिए? टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप. सो आंसर इज फेसबुक, ऑप्शन बी. सो फेसबुक इज द सोशल जियांट व्हिच हैज अपॉइंटेड स्फूर्ति प्रिया एज इट्स ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया. Now let's read about this, very important. ठीक है, so according to the new government guidelines, social media companies with over 50 lakh users have to appoint a grievance officer, nodal officer and a chief compliance officer. नई जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जैसे कि ये ट्विटर हो गए, फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, तो अगर इनके जो करीब जिसमें जो भी सोशल मीडिया कंपनी है जिसमें करीब 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, विद ओवर 50 लाख यूज़र्स, उनको ये 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं. एक तो ग्रीवेंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंपाइलियंस ऑफिसर. सो ऑल 3 पर्सोनल विल हैव टू बी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. और ये जो तीनों ऑफिसर्स होंगे ना, ग्रीवेंस, नोडल एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, इन सबको इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए. दे शुड बी द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. सो फेसबुक ऑन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपॉइंटेड परेश बी लाल एज द ग्रीवेंस ऑफिसर अ फ्यू डेज अगो. सो फेसबुक ने तो स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट करा है ग्रीवेंस ऑफिसर. अब फेसबुक ऑन मैनेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है, उसने अपॉइंट करा है परेश बी लाल को अपना ग्रीवेंस ऑफिसर कुछ दिन पहले. तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. अंडर द न्यू रूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो हैव टू पब्लिश द नेम एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्रीवेंस ऑफिसर ऑन देयर वेबसाइट सो दैट यूजर्स कैन इजीली रीच आउट टू देम. रूल्स के हिसाब से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको अपनी वेबसाइट में जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उनका नाम और उनके से रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी पड़ेगी, वो इन्फॉर्मेशन जिससे यूजर्स जो है वो इजीली रीच आउट कर जाए, तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन उन्हें पोस्ट करनी पड़ेगी. The grievance officer has also been tasked with ensuring that the complaint is acknowledged within 24 hours and properly disposed of within 15 days from the date it is lodged. ठीक है, so grievance officer को ये भी ensure करना पड़ेगा, इनको task मिला ये ensure करने का कि कोई भी उनके पास complaint आए उसको उन्हें within 24 hours acknowledge करना है, साथ ही साथ उस complaint को properly dispose कर देना है within 15 days जब वो complaint lodge की गई है. ठीक है, and receive and acknowledge any order, notice and direction issued by the authorities. ठीक है, तो गाइज यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला तो यही है कि सोशल मीडिया कंपनीज के कितने यूजर होने चाहिए कि उन्हें ये तीन अपॉइंट करने पड़े. तो 50 लाख अगर यूजर हैं तो उन्हें क्या क्या अपॉइंटमेंट्स दिए गए हैं, तो याद रखना ये भी आ सकता है ग्रीवेंस, नोडल एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो इसीलिए ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, जो भी मैंने बताया, ये पूरा इंपॉर्टेंट है. ये आपके बहुत फॉर्म्स में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट्सएप के भी ग्रीवेंस ऑफिसर याद रखना परेश बी लाल है. ठीक है, Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel Shri Dharmendra Pradhan recently presided over a virtual ceremony in which a number of initiatives were launched to provide a major fillip to the SATAT initiative. SATAT stands for what? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील है श्री धर्मेंद्र प्रधान. ठीक है, उन्होंने रिसेंटली एक वर्चुअल सेरेमनी की है जिसमें नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स उन्होंने वो लॉन्च करे, जिसमें मेजर फ्रिलिप प्रोवाइड की सतत इनिशिएटिव को. तो आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सतत. तो सतत का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो याद रखना धर्मेंद्र प्रधान. नाउ नेक्स्ट इज International Financial Services Centers Authority, which is IFSCA, constituted panel on variable capital company submitted its report recently. तो एक panel उसने constitute करा है IFSCA ने variable capital company पे. ठीक है, जिसने अभी हाल ही में अपनी report submit की है. So who headed this expert committee on variable capital company? तो किसने इस expert committee को head करा था variable capital company पे? So वो है KP Krishnan, option E. केपी कृष्णन. तो यहाँ पे फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछ ली जा सकती है कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी. ये भी पूछ लिया जा सकता है किस पे कमिटी वो थी, तो वो याद रखना वीसीसी विच इज वेरिएबल कैपिटल कंपनी. Which state government recently announced a major shift in its government's liquor policy, moving away from prohibition to the restriction? इनमें से कौन सी state government है जिसने हाल ही में अनाउंस करा एक major shift अपनी government की liquor policy पे, moving away from prohibition to the restriction? So वो है आंध्र प्रदेश, option A. So that is आंध्र प्रदेश. Now next is the World Bank projected India's economy to grow at how much percent in 2021 and how much percent in 2022. तो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2021 में कितना प्रोजेक्ट करेगी, कितना ग्रो करेगी, और 2022 यानी कि 2022 में कितना करेगी. तो 2021 में तो वो 8.3% वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करा है और 7.5% करा है वर्ल्ड बैंक ने 2022 में. सो 2021 8.3 एंड 2022 7.5. Karnataka Industrial Area Development Bank has signed a MOU with which bank to provide a wide range of financial products and services to its customers. KIADB, which is Karnataka Industrial Area Development Board, ने किसके साथ MOU साइन करा है, किस बैंक के साथ, जिसमें वाइड रेंज वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अपने कस्टमर्स को. So that is HDFC Bank, the private sector HDFC Bank, जिसका हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. HSBC का लंदन में है, SBI मुंबई है, एक्सिस मुंबई है और ICICI भी मुंबई में है. So guys, here we are done with the session. Hope you people like the session. Hit the like button if you like the session. Don't forget to share with your friends. And yes, please don't forget to subscribe the channel. This is the bell icon. Please don't forget to hit the bell icon. And also do check out the links at the top of the description as well as in the comment section.